हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब? फ्रेंड, मैंने मेहंदी लगाई थी बालों में, जो मैंने आपको बनाना ही बताया है वीडियो में। आप लोग वीडियो को पूरा देखना। और इस मेहंदी से, यानी कि ये इसमें मेहंदी नाम मात्र के लिए थी, लेकिन इसमें मैंने कुछ ऐसी चीज़ें ऐड की हैं जो हमारे बालों को बिल्कुल नेचुरल तरीके से काला यानी कि ब्लैक कर देती हैं। और आप मेरे बालों को देख सकते हो, मेरे बाल बिल्कुल काले हो चुके हैं। तो फ्रेंड, बाहर की चीज़ें लगाने से तो फ़ायदा है कि आप घर में नेचुरल चीज़ें लगाएं। आइए मैं दिखाती हूँ आपको कि मैंने ये जो पैक बनाया था बालों में लगाने के लिए, हेयर केयर के लिए, ये कैसे बनाया है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और पहली बार आए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने ली है लोहे की कढ़ाई, और उसमें लिया है मैंने चाय की पत्ती का पानी। चाय की पत्ती के पानी को यानी कि अच्छे से बॉयल करना है। चाय की पत्ती को पानी में डालकर बॉयल करना है। अपने बालों के लेंथ के अकॉर्डिंग आपको पानी ले लेना है, एक कप दो कप जितना भी आपको चाहिए। उसे अच्छे से बॉयल करके फिर ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद लोहे की कढ़ाई में छान लेना है, और फिर उसमें मैंने ये, आप चाहे तो थोड़ा थोड़ा करके भी पानी को मिला सकते हो, ऐड कर सकते हो, लेकिन मैंने, मुझे अपने हिसाब से सही लग रहा था, मैंने उतना ही मिला लिया था। तो इसमें मैंने 2 चम्मच के करीब आंवला पाउडर डाला है। ये आंवला पाउडर किसी भी किराना स्टोर से, यानी कि दुकान जो होती है परचून वाली, उस पर आपको आराम से मिल सकता है, मिल जाता है, मैंने वहीं से मंगाया था। बस इसमें मैंने और अगली बार ये जो अगली चीज़ मिलाई है ये डाली है मैंने हर्बल मेहंदी। केवल एक ही पाउच डाला है मैंने, इसमें ज़्यादा नहीं डाला है, बहुत कम मेहंदी है इस पाउच में भी, बहुत कम डाली है। लेकिन मैं एक बहुत ही स्ट्रांग हेयर पैक बनाने वाली हूँ बालों के लिए, जो नेचुरली रूप से काला करता है हमारे बालों को। फ्रेंड, मेरे हाथ भी बाद में काले हो गए थे। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा आंवला पाउडर और ऐड किया है, मुझे थोड़ा पतला सा दिखाई दे रहा था तो मैंने थोड़ा सा और ऐड किया, और थोड़ा मुझे कम भी लग रहा था अपने बालों के अनुसार। तो भाई, यहाँ पर मैंने एक पूरा जो लेमन होता है, लेमन जूस, यानी कि पूरा एक नींबू इसमें निचोड़ दिया है अच्छे से, और इसे अच्छे से घोलना है, इसमें गुठलियाँ वगैरह ना रहें, और इसे भिगो के मैं रखने वाली हूँ 1 घंटा तक पूरे। तो फ्रेंड, आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि पहली बार अगर मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि मैं अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए आगे भी अपलोड करती रहूँ। तो यहाँ पर 1 घंटे बाद आप देख सकते हो ये कितना ब्लैक हो गया था ये हेयर पैक। अब मैं इसमें मिलाने वाली हूँ 1 चम्मच के करीब एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल इसलिए मिलाना है फ्रेंड कि काफ़ी लोगों को, पर्सनों को प्रॉब्लम होती है, शिकायत होती है कि हमारे बाल जो ड्राई, रूखे सूखे, बेजान हो जाते हैं मेहंदी या ये पैक लगाने के बाद। तो ऐसा नहीं होगा, आपके बाल बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे जैसे आपने अभी कंडीशनर किया हो। इसे मेहंदी में लगाने से आपके बाल बिल्कुल भी ड्राई नहीं होने वाले हैं। आपको ध्यान रखना है कि इससे पहले बालों में तेल बिल्कुल भी ना हो। आपको अपने बाल वॉश रखने हैं, और फिर हमें अच्छे से इसे अपने बालों पर अप्लाई कर लेना है, जिस तरीके से मैं अप्लाई कर रही हूँ। यहाँ पर पूरे बालों में अच्छे से पार्टीशन करना है बालों का, और ये इस तरीके से लगा लेना है। ज़्यादा सूखा पेस्ट नहीं लगाना है फ्रेंड, ज़्यादा सूखा पेस्ट जो होता है हमारे बालों की जड़ों तक नहीं पहुंच पाता है, ऊपर ही रह जाता है। थोड़ा हल्का सा पतला रखा था मैंने भी, ताकि बालों की जड़ों तक अच्छे से स्कैल्प की खोपड़ी के यानी कि त्वचा तक आराम से पहुंच जाए। जो हमारे बालों की खाल होती है यानी कि त्वचा होती है, इसमें अच्छे से लग जाए, ताकि हमारे बालों को अच्छे से भरपूर पोषण मिल जाए इन सब चीज़ों का। तो फ्रेंड, नींबू भी मिलाया है मैंने इसमें, चाय की पत्ती का पानी मिलाया है, आंवला पाउडर है, और एक मेहंदी का पाउडर है, और इसके बाद मैंने इसमें मिलाया है एक एलोवेरा जेल 1 चम्मच। तो फ्रेंड, ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि, और इतना नेचुरली है कि आपके बालों की लेंथ को भी बढ़ाएगा, आपके बालों को नेचुरली काला करेगा। आपको मार्केट की मेहंदी, वो मार्केट की डाई बिल्कुल भी नहीं लगानी है। जितना हम उसे लगाते हैं उतने ही हमारे बाल ज़्यादा वाइट हो जाते हैं। मैंने भी यही गलती की थी पहले, मुझे भी पता नहीं था, तो मैंने भी सबकी देखा देख कई बार डाई लगाई अपने बालों में, गोदरेज लगाती हूँ अब मैं। सब गार्नियर लगाती थी तो भाई मेरे बाल ज़्यादा ज़्यादा खूब ज़्यादा सफ़ेद होने लगे, काफ़ी सफ़ेद हो गए मेरे बाल। फिर मैंने इसे छोड़ दिया, फिर मैंने अपना पहले की तरह, फिर मैं इसे हीना को लगाने लगी, यानी कि मेहंदी को अपने बालों में लगाने लगी। तो बस फ्रेंड, मेरे पूरे बालों में मेहंदी लग गई है आपसे बातें करते करते ही। इसे हमने बन बना लिया है इसमें, और जितना था इसमें सारा अपने बालों पे लगा लिया। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो बालों को धोने के बाद मेरे बाल, आपके सामने लाइव रिजल्ट है। मैं दूसरे की पिक लगा कर नहीं रखती हूँ, अपनी पिक लगाती हूँ जब भी लगाती हूँ बालों की, थंबनेल पर भी। तो फ्रेंड, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और भाई, मैं अपने ऊपर रिजल्ट, मतलब के
मेरे ऊपर जो रिजल्ट मिलता है तभी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो फिर मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ।